रक्षाबंधन एक तोहफा बहादुर भाई सेठ रघुवीर गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन दौलत और प्रतिष्ठा से उनमें तनिक अपमान भी आ गया था और भी गरीब लोगों से बहुत ही नफरत किया करते थे। उनका एक बेटा राजू और बेटी बिमला थी, दोनों में बहुत ही स्नेह था। सेठ जी के बगीचे में राधा नाम की एक मालिन बाग बगीचे की देखभाल किया करती थी। उनका एक बेटा नंदन था, जो बिमला और राजू की हम उम्र था। राजू अपने पिता की तरह गुस्सेल मिजाज का होने के कारण नंदन पर रूम जमाया करता था और उससे अपने हर छोटे मोटे काम करवाया करता था। नंदन भी राजू की हर बात पूरा किया करता था। गांव में तूफानी बारिश हो रही थी। उस दिन मालिन बहुत बीमार पड़ी थी। मालिन ने अपने बेटे नंदन से कहा, तुम हवेली जाओ और सेठ जी से कह देना कि आज बीमार होने के कारण मैं हवेली नहीं आ सकूंगी। नंदन ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहते हुए वह हवेली की तरफ चल पड़ा। बारिश और कीचड़ से बचते बचाते भी वह आखिर भीज ही गया और जैसे तैसे हवेली पहुँचा। नंदन दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर पहुँचा और सेठ जी से बोला, सेठ जी आज माँ बहुत बीमार है, वह नहीं आ पाएगी। सेठ जी घनघोर बारिश में भी अचानक आग बबूला हो गए। फर्श पर नंदन के जूतों से कीचड़ के निशान बन गए थे। सेठ जी ने आओ देखा न ताओ और नंदन के गालों पर ऐसे तमाचे जड़े कि वह कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। सेठ जी ने नंदन से कहा, कह देना अपनी माँ से कल से हवेली में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंदन सिसकता हुआ घर पर पहुँचा। माँ ने नंदन से रोने का कारण पूछा तो नंदन ने सारा हाल कह सुनाया। माँ ने अपने बेटे नंदन से कहा, बेटा रो नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, धन दौलत का अभिमान ही ऐसा होता है। नंदन मन ही मन बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। सावन का महीना था, पूरी गांव में झूले और मेलों की बाहर थी और अगले ही दिन राखी भी आने वाली थी। बिमला बोली, राजू भैया इस बार राखी बंधाई पर कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग हटकर चाहिए। राजू बड़ी रुआब से बोला, बिमला तुम फिक्र ना करो, तुम्हें शहर से बहुत बढ़िया तोहफा ला कर दूंगा। ऐसा कहकर राजू ने फौरन जीप तैयार करवाई और शहर की ओर चल पड़ा। रिमझिम बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान से पानी की गिरती बूंदों ने बड़ा आकार ले लिया और बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। अभी राजू की जीप गांव की सीमा के पार ही पहुंची होगी कि वे तूफानी बरसात में फंस गए। पास ही नंदन का घर था। नंदन ने कुछ आहट सुनी और देखा बाहर राजू की जीप फंसी हुई है और चढ़ रहे नाले के पानी में राजू और ड्राइवर डूबे जा रहे थे। नंदन हैरान था, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। नंदन ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत वे अपने घर से बड़ी सी रस्सियां ले आया और रस्सियों को पास के ही एक पेड़ से बांधकर उनके सिरे राजू और ड्राइवर की तरफ फेंके। रस्सी की मदद से दोनों नाले के पानी से निकलकर बाहर आ गए। नंदन राजू और ड्राइवर को अपने घर ले गया। इधर सेठ जी बड़े परेशान थे, घनघोर बारिश हो रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन राजू अभी तक शहर से नहीं लौटा था। बिमला का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार कही जा रही थी कि भैया जल्दी आ जाओ। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकरों को शहर रवाना कर दिया। बिमला की हालत भी इधर बहुत खराब थी। कुछ ही देर बाद सेठ जी का एक नौकर आया और उसने सूचना दी कि गांव के बाहर वाले नाले में जीप मिली है, राजू और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। फिर क्या था, सभी ने यह मान लिया कि वे दोनों बेटे नाले के पानी की बलि चढ़ गए होंगे।
दूसरे दिन राखी थी, लेकिन सेठ जी की हवेली में तो मातम पसरा हुआ था। बिमला को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था। सेठ जी अपने आंसू छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही बिमला को गले लगा कर रो ही पड़े और बोले, बेटी तेरा भैया अब कभी नहीं आएगा। सेठ जी के इतने ही सब थे कि एकदम राजू को वहाँ देखकर सभी हैरान हो गए। सेठ जी तो एक पल के लिए किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब राजू ने नंदन के बारे में सारी बात बताई तो सेठ को अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत दुख हुआ। सेठ जी ने अपने नौकरों को तुरंत नंदन के घर उसे और उसकी माँ को सम्मान सहित लाने के लिए कहा। उन दोनों को सम्मान के साथ हवेली में लाया गया। राखी की तैयारी हो चुकी थी, अब तो बिमला ने अपनी थाली सजा ली थी। राजू राखी बंधवाने के लिए बैठा ही था कि बिमला ने तुरंत अपने पिता से नंदन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिताजी, मेरा एक नहीं अब दो दो भाई हैं। सेठ जी ने तुरंत नंदन को भी बुलाया और बिमला ने दोनों को राखी बांधी। सेठ जी ने नंदन की माँ से कहा, अब आज से मेरी बड़ी बहन है और बहादुर नंदन मेरे बेटे के समान है। आज से आप बिमला की बुआ बनकर इस हवेली में रहेंगी। बिमला ने कहा, पिताजी आज मेरे लिए रक्षाबंधन के दिन इसे बड़ा और महान तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि मुझे एक और बहादुर भाई मिल गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।